कैप्टन हरिशंकर जैन साहब जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करके कह रहे हैं कि साहब उसके तहत ये मामला नहीं आता, तो जो एएसआई की तरफ से कहा जा रहा है 1958 वाला कानून जिसमें संरक्षित इमारतों में धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती है, उसको शायद भूल रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं निपुण सहगल। हरिशंकर जैन जी बिल्कुल, उसको तो अभी तक नज़रअंदाज ही किया है उन्होंने, उसके विरोध में उन्होंने सिर्फ यही बात कही है कि तमाम ऐसी जगह है जहां धार्मिक गतिविधियां होती हैं और वो एएसआई के संरक्षण में है। यानी ये जो धारा है जो बाधा डाल सकती है इनकी मांग में कि संरक्षित स्मारक में पूजा कैसे हो सकती है, उसके खिलाफ ये यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई एक जगह नहीं है, ऐसी अनेकों जगह है जहाँ पर कि पूजा या दूसरी धार्मिक गतिविधियाँ, शायद वो नमाज का भी हवाला दे रहे हैं, हालांकि किसी जगह का चूंकि नाम नहीं लिया है अपनी दलील रखते हुए, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस किस जगह का हवाला दे रहे हैं, लेकिन वो कह यही रहे हैं कि धार्मिक गतिविधियां होती है एएसआई संरक्षित स्मारक में और एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट भी यहां पर लागू नहीं होता, ये हरिशंकर जैन कह रहे हैं, ऐसा अंकित ने बताया है। हालांकि ये जो मैसेज है अंकित का, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें हरिशंकर जैन क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम अपनी बातों को जारी रखते हैं। फिलहाल यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि वो जगह पहले भी मस्जिद नहीं थी। जिस तरह से लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अगर मैं सही हूं तो 35 मिनट के आसपास का वक्त हो गया है जब ये सुनवाई शुरू हुई, और कोर्ट इस मामले में पूरा मौका दे रही है याचिकाकर्ता के वकील को, हिंदू पक्ष के वकील को, कि वो अपनी बातों को पूरी तरीके से रखे, विस्तार से सामने रखे। कोर्ट सुन भी रही है, अगर सवाल कर रही है तो जवाब भी जो दिया जा रहा है उसको भी पूरी तरीके से सुन रही है। क्या ये माना जाए कि इस मामले में आज ही कोई फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जा सके? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और 40 मिनट हो गए हैं, 12:26 पे करीब ये सुनवाई शुरू हुई थी और अब 1:05 का समय हो रहा, करीब 40 मिनट हो गए हैं, और जज जिस विस्तार से बातों को रखने का मौका दे रहे हैं, अपनी तरफ से सवाल भी कर रहे हैं और हर सवाल के जवाब को नोट भी कर रहे हैं, तो ये एक आदेश की तरफ बढ़ता हुआ, मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पर बढ़ता हुआ लग तो रहा है। लेकिन फिर भी जो अदालतों का मेरा अनुभव है, वो अनुभव यही कहता है कि जब इतनी लंबी दलीलें हों तो आदेश अचानक से आता नहीं है। जज यही कहते हैं कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं, और क्योंकि जज को विस्तृत आदेश भी तो देना होता है इसमें। एक जो कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, देखिए कानून के दो बुनियादी सिद्धांत हैं, दर्शकों को यह समझना चाहिए कि बिना सुने फैसला नहीं देंगे, तो सुना जा रहा है, और दूसरी बात बिना कारण बताए फैसला नहीं देंगे, तो कारण एकदम से अचानक से नहीं बताया जा सकता है, कारण बताते हुए फैसला देने के लिए उसमें समय लगता है, इसलिए ऑर्डर रिजर्व किया जाता है। तो ये दोनों ही बिंदु अगर इनका पालन किया जाएगा तो शायद हो सकता है आज आदेश सुरक्षित रख लिया जाए और आदेश आगे आए। हालांकि कोर्ट के ऊपर है, जज के विवेक के ऊपर, अगर उन्होंने सारी बातों को नोट कर लिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि विद रीजन वो आज ही आदेश दे सकते हैं तो वो आदेश दे सकते हैं। ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि जज ने विस्तृत कारण बताते हुए ऑर्डर लिखवाया है, तो अब ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दलीलें जहां तक पहुंच चुकी हैं उसमें यही लग रहा है कि अब सुनवाई थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। हरिशंकर जैन ने एक बात और कही है कि 1947 15 अगस्त का कट ऑफ लागू नहीं होता है, जो बात हम पहले भी कह रहे थे, और उस जगह का मूल एक हिंदू मंदिर का था और वक्त के साथ वो नहीं बदलेगा, यानी स्वरूप जो था वो 47 से पहले भी और 800 साल से भी वो मंदिर ही थी और वो मंदिर ही वो जगह रहेगी, ये हरिशंकर जैन जज को बता रहे हैं इस समय। बिल्कुल, तो अपनी तरफ से दलीलें जो हिंदू पक्ष की तरफ से रखी जा रही हैं, एएसआई की तरफ से इस मामले में पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और एएसआई की तरफ से बड़ी साफ बात की गई है कि साहब जो संरक्षित इमारत है वहां पर किसी भी धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती है, और इसी को लेकर वो एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट जिसका जिक्र अंकित गुप्ता ने भीतर से जो आपको जानकारी दी किया, उसको लेकर हरिशंकर जैन की तरफ से क्या कोई दलील भी दी गई है या सिर्फ एक लाइन में कह दिया गया है कि साहब वो यहां पर लागू नहीं होगा? और जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि ये जो कुतुब मीनार है ये यूनेस्को की तरफ से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें आता है। निपुण सहगल जी, बिल्कुल, देखिए ये बात हमने बिल्कुल सही कही कि यूनेस्को की तरफ से भी इस स्मारक को एक दर्जा दिया गया है, खास दर्जा दिया गया है, और वो पूरा परिसर एक तरह से उसके तहत आ जाता है और एएसआई के संरक्षण में भी है, तो पूजा का जो अधिकार मांगा जा रहा है, हालांकि यूनेस्को वाला जो स्टेटस है उसकी कोई बात है नहीं यहाँ पर, लेकिन चूंकि आपने जिक्र छेड़ा तो उसकी बात
करनी चाहिए हमको कि ये खास इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, और कोर्ट यही बार बार जो जज हैं वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसे संरक्षित स्मारक को आप पूजा स्थल में बदलना चाहते हैं, ये अधिकार हम आपको कैसे दे दें। हरिशंकर जैन देखिए आगे एक और बात कह रहे हैं कि मंदिर हमेशा मंदिर रहता है और भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, वो कैरेक्टर कभी नहीं बदल सकता, वो चरित्र, वो स्वरूप नहीं बदल सकता। ये हरिशंकर जैन की दलील है एडीजे निखिल चोपड़ा के सामने, कोर्ट नंबर 606 साकेत कोर्ट का अतिरिक्त जिला जज की कोर्ट में। और जज साहब लगातार इन बातों को नोट कर रहे हैं। देखिए जज साहब का अगला सवाल सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, जज ने पूछा है, और जैन कह रहे हैं जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये उपासना स्थल कानून जो है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके दायरे में नहीं आता है, ये जगह उसके तहत नहीं आती है, और इस वजह से भी हमारी याचिका मेंटेनेबल है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें, ये संवाद एडीजे निखिल चोपड़ा और हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन के बीच इस समय चल रहा है, जो लगातार हम अपडेट दे रहे हैं बीपी न्यूज पे। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता कोर्ट के अंदर से ये सारी जानकारियां भेज रहे हैं। बाबा, बाबा। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।